रोजगार व्यवस्था, छात्र नामांकन आदि मांगों की पूर्ति के लिए राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना किया गया। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं राज्य के महाविद्यालयों में इंटरसेक्शन में काम करती हैं। इन लोगों की मांग है कि इन्हें सेवा समायोजन दिया जाए, साथ ही इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। आज हम सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जो सभी महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई होती है उस विभागों से हम लोग सब आए हुए हैं। पहले भी हम लोग एक मौन रैली निकाले, उसका कोई हल नहीं निकला, उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी तक, और आज दोबारा से हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हैं कि सरकार हमारे बारे में जाने, हमारे सामने जो परेशानी आ रही है, हमारे सामने जो बेरोजगारी आ रही है, उस चीज़ को समझे। जिस तरह से सरकार का जो रवैया है, जो हम अल्प वेतनधारियों कर्मचारियों के ऊपर और सरकार की जो नीति और कर रही है, उसको हम लोग सीधा मतलब कि प्रस्तुत करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उन छात्रों के हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग सड़क पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये मांगे हैं कि हम जो जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, लगभग 5000 पूरे झारखंड से, उन सभी का समायोजन किया जाए। दूसरी बात ये है कि इंटर की जो पढ़ाई बंद हो रही है, उस एडमिशन को दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है। प्लस जितने भी CBSE स्कूल हैं, वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, और झारखंड में अपग्रेडेड स्कूल भी बहुत कम है। 10,000 से ज़्यादा छात्र जो है अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए, उन लोग का फ्यूचर खराब होने पर तुला हुआ। प्लस हम सभी जितने भी टीचर्स हैं, उन सब का भी फ्यूचर खराब होने पर तुला हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार इंटर कॉलेज को बंद कर हाई स्कूल में इंटर की पढ़ाई शुरू कर रही है, जिससे इनके समक्ष बेरोजगारी की स्थिति बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।